Hello students, on behalf of Vidyadis Vidya Sankul, we are welcoming you in this new academic session. Myself Meer sir and he is Krupal sir. Today we are going to teach you about the new application that we have already developed. Okay, in this new session, due to ongoing pandemic, we are going to provide you application that will be more convenient in this session for your studies. So for that, we are going to provide you the link of Play Store in this description of video. Okay, now we are going to start this application. For starting this application, you need to enter the academic session. After downloading the application, you need to enter the academic session, that will be the 2021 to 2022. Then you need to enter the ID and then you need to enter the password. For ID and password, you can contact your class teacher. The class teacher can provide you the ID and password. After entering the ID and password, you need to click on the login. After the application will be start, click sir, can you please log in? Okay, so here is the interface of your application. We are already logging on behalf of student, that is here Brijesh. ओके अगर आपको ये सारे फीचर्स जानने हैं तो मेरे साथ कृपाल सर है, तो कृपाल सर आपको फीचर्स बताएंगे इस एप्लीकेशन से और इस फीचर्स के कौन कौन से यूज है वो आपको कृपाल सर समझाएंगे. ओके सो कृपाल सर, कैन यू प्लीज टेल अस द व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन. जैसे आपको यहाँ पूरा इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि आप जब वेब स्टार्ट करोगे तो आपको पहले ये दिखाई देगा. अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपनी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है. फिर उसके बाद आपको यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो है नोटिस बोर्ड. तो नोटिस बोर्ड आपको पता है कि जनरली आपको कोई नोटिस होती है, जैसे कोई हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसकी कोई कॉम्पिटिशन है, उसके लिए आपको यहाँ नोटिस बोर्ड में सब नोटिस लिखी होगी. उसके बाद जो बाजू में है वो है अटेंडेंस. अटेंडेंस में आप देख सकते हो कि आप कितने दिन प्रेजेंट हो, कितने दिन एब्सेंट हो, किस दिन आपने लीव ले रखी है, वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. अभी कुछ डेटा एंटर नहीं है इसलिए आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है. बाकी आपको यहाँ कितने दिन आप मंथ में प्रेजेंट थे वो न्यू सेशन स्टार्ट होने के बाद आपको दिखाई देगा कि आप जून महीना है तो जून में से आप कैसे किस दिन आए थे, किस दिन एब्सेंट थे, वो सब आपको दिखाई देगा. अभी कुछ नहीं है इसीलिए यहाँ जीरो है. तो अटेंडेंस में आपको आपकी अटेंडेंस दिखाई देगी जो आपके क्लास टीचर है वो हर रोज फिल करेगी. उसके बाद वाला जो ऑप्शन है, जो हमारी ऐप का मेन ऑप्शन है, वो है होमवर्क. होमवर्क में आपको पता है कि हम लोग हर टीचर आपको कोई होमवर्क देता है और आपको होमवर्क सबमिट करना होता है. तो इसमें आपको बहुत ही ईजी वे में आपको दिखाई देगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा होमवर्क कौन से टीचर ने असाइन किया है. आप यहाँ देख सकते हो जैसे चैप्टर 15 का आपको किरीट सर ने आपको होमवर्क दिया है, तो आपको क्या करना है वो उसके ऊपर क्लिक करके वो होमवर्क पहले देखना है. तो सर ने यहाँ इस तारीख को मैथ्स का होमवर्क दिया है. अब क्या है वो हम डाउनलोड करके देखेंगे. जब हम डाउनलोड करेंगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपको वो ओपन करके देखना है कि उसमें क्या है. उसमें जो क्वेश्चन है वो सब पहले शांति से देखना है और उसमें आपको पूरा समझ के होमवर्क कंप्लीट करना है. अगर आपको ये होमवर्क जो है वो क्लियरली ना भी दिखाई दे तो जूम का ऑप्शन अवेलेबल है. अगर आप जूम इन करोगे तो ये जो सारी आपको पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही है वो जूम होगी और फिर आप क्लियरली जो है ये सारे क्वेश्चंस और उसके जो ऑप्शन है वो आप पढ़ सकते हो ताकि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाए. ओके जब आपको पूरा देखने के बाद आपने होमवर्क कर लिया, बुक में आप अच्छे से होमवर्क कर लेते हो, फिर आपको क्या करना है, आपको होमवर्क सबमिट करना है. तो सबमिट कैसे करना है वो हम देखते हैं. आपको यहाँ एक आइकॉन दिखाई देगा जो रिप्लाई वाला आइकॉन है, उसमें आपको जाके क्लिक करनी है. क्लिक करोगे तो आपको यह दिखाई देगा कि आपको जो होमवर्क दिया गया था उसके रेफरेंस में आपको उसका रिप्लाई देना है. जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन है, आपने होमवर्क किया है तो जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो आपको लिखना है कि मैंने ये होमवर्क किया है, ये तारीख को किया है, जो भी आपको मैसेज लिखना है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो ताकि आपके जो टीचर है वो देख सके और समझ सके कि होमवर्क में क्या है. फिर आपको क्या करना है, ऐड फाइल में जाना है. ऐड फाइल ऑप्शन है जिससे आप फाइल ऐड कर सकते हो.
ऐड फाइल पे क्लिक करने से आपको सबमिट करने के लिए कौन कौन से वे है वो आपको दिखाई देगा, जैसे कैप्चर फ्रॉम कैमरा, आप कैमरा से क्लिक करके भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। फिर है सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, अगर आपने पहले से ही क्लिक करके रखा है फिर आप जब अपलोड करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हो। उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम फाइल, जो हमें यही यूज़ करना है, आपको पीडीएफ में ही होमवर्क सबमिट करना है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा इमेज हो जाती है, 5-6 पेज का होमवर्क होता है तो सब मिक्सअप हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि आप अगर पीडीएफ बना लो और वो पीडीएफ अपलोड कर लो तो आपके टीचर को चेक करने में भी ईजी रहेगा और आपको भी पता रहेगा कि कौन सी सीक्वेंस थी, तो आपको पीडीएफ बना के ही होमवर्क सबमिट करना है। अब पीडीएफ कैसे बनानी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे धवल सर है उन्होंने एक वीडियो बना के रखा है कि आप इमेज से पीडीएफ कैसे बनाएं, मल्टीपल इमेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, वो आपको वो वीडियो में दिखाई देगा और उसमें से आप सीख के पीडीएफ में ही, पीडीएफ से ही होमवर्क सबमिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक पेज का है या कोई दूसरा होमवर्क का है तो आप एक कैप्चर फ्रॉम कैमरा से कर सकते हो। सर इस तरह से दिखा सकते हैं कि हम कैसे होमवर्क को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ बना के रखे हैं और पीडीएफ अपलोड करने है तो आपको क्लिक करना है सिलेक्ट फ्रॉम फाइल और फिर आपको जो रिसेंट आपकी फाइल होगी वो आपको दिखाई देगी, उसमें से आपको क्या करना है पीडीएफ फाइल लेनी है। जैसे अभी यहाँ रिसेंट में से मैं कोई पीडीएफ फाइल ले लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ एक पीडीएफ है गेटिंग स्टार्ट, अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमने ये पीडीएफ ले ली, अब हमें इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ एक होमवर्क में पीडीएफ दिखाई देगी, अगर ये गलती से कुछ हो जाए तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। अब आपका होमवर्क यहाँ सबमिट अटैच हो गया, अटैच होने के बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही इजी है इस एप्लीकेशन के 3 फीचर्स का इस्तेमाल करना। अभी हम देखेंगे कि इसके बाद वाले जो फीचर्स है उसमें आपको कौन कौन सी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, सर होमवर्क पर ऊपर ही बार रीड करो ऊपर से, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि नीचे जो है वो स्टडी के रिलेटेड आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है एग्जाम के रिलेटेड। तो अब एग्जाम के रिलेटेड जो फीचर्स आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको एग्जाम के रेफरेंस में आपका टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा, उसका जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो जब भी हम लोग कोई मंथली एग्जाम होगी या मंथली कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे या फिर एनुअली इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एग्जाम जो भी कंडक्ट करेंगे उसका जो एग्जाम का टाइम टेबल होगा वो पूरा का पूरा आपको इस फीचर के अंदर देखने को मिलेगा। आपको ऊपर से एक नोटिफिकेशन आएगा इस एग्जाम का टाइम टेबल हम लोगों ने अपलोड किया है इधर से, तो जाके आप एग्जाम के फोल्डर में भी वो देख सकते हो। हम लोग हमारा मंथली जो प्लानर है वो भी इसमें डाल देंगे और एनुअल जो प्लानर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे, ताकि आप लोग टेस्ट के प्रिपरेशन कर सको, एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो फीचर है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी एग्जाम्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड होगी, जैसे कि हमारी NSO की एग्जाम है, IMO की एग्जाम होती है, जो साइंस ओलंपियाड जो फंक्शंस करते हैं वो लोग बाहर से इंटरनेशनल एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन इधर से मिलेगी। फिर इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होगा, फिर राइटिंग कॉम्पिटिशन होगी, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो ऐसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट होगी, तो जिस जिस में कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट होगी वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस फीचर के अंदर मिलेगी देखने को। तो जब भी कोई एग्जाम के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोग इजीली नोटिफिकेशन बार से वो देख सकते हो, ओके। उसके बाद आता है लाइव एग्जाम वाला फीचर, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि लाइव एग्जाम वाला आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे यूज़ की होगी जिसके अंदर आप लोग ऑनलाइन क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे,
तो इस बार हमारी स्कूल ने भी हमारी एप्लीकेशंस के अंदर ये फीचर जो है वो डेवलप किया है ताकि आप लोगों को एक टाइप की ऑनलाइन क्विज जो है वो देखने को मिले और ऐसे हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो है वो लाइव एग्जाम कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करना है। बाय वन क्लिक यू कैन गेट योर रिजल्ट और यू कैन गेट योर आंसर। बहुत ही ईजी है और ये बहुत ही नया फीचर जो हम लोगों ने हमारी एप्लीकेशन के अंदर डाला है। सर एक में ही सबको मिल लेगा। हाँ। जैसे कि कोई भी ऑप्शन देखना चाहते हो तो आप ऐप में से ही देख सकते हो। सारे के सारे फीचर्स जो है वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर है। उसके बाद आता है मटेरियल वाला फीचर। तो मटेरियल वाले फीचर्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो मटेरियल है वो देखने को मिलेंगे। आप जो भी स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर रहे होंगे उसके अंदर के फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने अपलोड करके रखा है 10th स्टैंडर्ड के अंदर साइंस और मैथ्स का है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आपको टेक्स्ट बुक भी देखने को मिलेगी। जब भी आप टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर वाइज हम लोगों ने मटेरियल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है। जब भी हम लोग चैप्टर वन का हम लोगों को पीडीएफ देखना है तो जैसे ही हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे फिर क्या करेंगे ये देखो आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पूरा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो गया। ताकि क्या होता है कि अभी जो ऑनलाइन स्टडीज आप लोग कर रहे हो तो बहुत जगहों पर ऐसे क्राइटेरिया से ऐसी सिचुएशन है कि वो क्वारंटाइन जोन से बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो है वो बाहर बुक लेने नहीं जा सकते तो इसीलिए हमने ऑलरेडी पीडीएफ मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल करके रखा है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस वर्क का मटेरियल भी इसके अंदर अवेलेबल कर रखा है। जब भी कोई चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा तो आप उसके अंदर से वो प्रैक्टिस वर्क वाला जो मटेरियल है वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो और फिर वो जो है वो मटेरियल के रिगार्डिंग आपका होमवर्क जो है वो सबमिट कर सकते हो। जैसा कि सर ने हमको सिखाया कि होमवर्क किस तरह से सबमिट करना है वो हम इजीली सबमिट कर सकते हैं बाय होमवर्क फीचर। और सर प्रिंट भी ले सकते हैं अगर चाहो आप तो बुक का कोई पेज है उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली हो सकता है। बहुत ही इजी हम लोगों ने ये किया है। उसके बाद टाइम टेबल वाला फीचर है। तो टाइम टेबल वाले फीचर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यू कैन गेट द इंडिविजुअल डे ऑफ टाइम टेबल। जैसे कि आप क्लिक करोगे टाइम टेबल के फीचर के ऊपर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एवरी डे का जो टाइम टेबल है आपका कौन से लेक्चर है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर अभी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखो कि आज सैटरडे है तो जब भी हम ये लेक्चर बना रहे हैं तो आज का आप लोगों का टाइम टेबल जो है इसके अंदर 3 लेक्चर है जो कि आप लोगों को कंडक्ट होंगे और आप टीचर के नाम भी अवेलेबल है तो आपको पता रहेगा कि कौन सा टीचर लेक्चर लेंगे। और ये फीचर जो है बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो है तो आप लोगों को क्या है कि आपका शेड्यूल आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हो। उसके बाद वाला जो फीचर है वो है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी यूनिट टेस्ट कंडक्ट होती है या तो फिर इंटरनल को एग्जाम कंडक्ट होती है या फिर एक्सटर्नल एग्जाम जो भी कंडक्ट होती है तो उसके रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको इतने चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर करना है। सो जो सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो इस बार जो है वो आपको देखने को मिलेगा सीधा ये सिलेबस वाला फीचर के अंदर। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों को आपका मंथली जो है सिलेबस मिल जाएगा कि ये मंथ के अंदर इतना सिलेबस है या तो ये यूनिट टेस्ट के अंदर इतना सिलेबस हम लोग चलाएंगे। उसके बाद है एकेडमिक कैलेंडर वाला फीचर। जैसे कि आप बैक जाओगे तो क्या है कि हम लोग एक्सप्लेन कर सके ना और। तो जैसे ही आप एकेडमिक कैलेंडर वाले फीचर के अंदर जाओगे तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या करेंगे कि ये आपको दिखाएगा कि हमारा मंथली जो है वो क्या हमारा जो है पोर्शन चलने वाला है कौन से टेस्ट होने वाली है। ये सारा एकेडमिक कैलेंडर अभी तो हमने सिर्फ जून महीने का इसमें अपलोड करके रखा है वैसे ही मंथली प्लानर जो है वो सारे के सारे आपको इस फीचर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि हम लोगों ने जून महीने का देखने को मिला और आप जूम करके भी देख सकते हो इसके अंदर सब ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इतनी इतनी एक्टिविटीज़ हम ये महीने के अंदर करने वाले हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स है आप देख सकते हो आप डाउनलोड कर सकते हो ओके। उसके बाद एक फीचर हमारा है जो कि है ऑनलाइन स्टडी एंड देट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन अवर एप्लीकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी एप्लीकेशन का। ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग जो YouTube के ऊपर अपलोड करते हैं वीडियोज वो आप सीधा इस एप्लीकेशन के अंदर से देख सकते हो। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज जो है वो वीडियोज अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को वो वीडियोज को फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाए। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो इसके अंदर अपलोड करके रखा है फॉर द डेमोस्ट्रेशन। आप क्लिक करोगे सर ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर तो देखो कि आप ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर 10th के मैथ्स का हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड करके रखा है
जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 15 जो है उसका वीडियो है। तो जैसे ही आप ये वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे वो वीडियो सीधा इस एप्लीकेशन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सर आप क्लिक करो तो दिखाएंगे सर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सीधा स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे वहां से ये सीधा वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप इजीली लेक्चर देख सकते हो। आपको कोई लेक्चर जो है अगर मिस हो गया है तो वो यूट्यूब पे जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज वीडियोज़ को सेपरेट करके रखेंगे ताकि आपको जो भी चैप्टर का जो भी वीडियो देखना है आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सके। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर सर हम लोगों ने इस बार ये एप्लीकेशन में डाला है। और यूट्यूब भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐप थ्रू ही आप ओपन कर सकते हो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी वीडियो। ओके, अब जो आगे के फीचर्स है कृपाल सर हम लोगों को बताएंगे कि कृपाल सर कौन से फीचर्स जो है। अब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और पेरेंट के बीच में। तो कम्युनिकेशन वाला जो है वो पोर्शन इम्पोर्टेंट है जब आपको कुछ बताना हो या आपकी कोई क्वेरी हो। जैसे आपको अगर आपका GR नंबर नहीं पता है, अगर आपको जानना हो तो आप क्या करोगे, तो आपको कॉल करने की या स्कूल पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेरी सेशन में जाके क्वेरी लिख सकते हो कि सर व्हाट इज़ माय GR नंबर। तो आपके जो क्लास टीचर होंगे वो आपको रिप्लाई में आपको आंसर देंगे। जैसे आप यहाँ प्लस के आइकॉन के ऊपर जाएंगे फिर आपको यहाँ दिखाई देगा कि एड क्वेरी कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है कि क्वेरी में सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि आपका स्टाफ में कौन से टीचर है। तो आपके क्लास टीचर है धवल सर, तो आपको उसका नाम सिलेक्ट करना है। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि मुझे क्या क्वेरी है। जैसे अगर कोई इंग्लिश की क्वेरी होती है तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि इंग्लिश। फिर आपको मैसेज में टाइप करना है कि मुझे ये क्वेरी है तो आप मुझे इसका आंसर बताना है। तो आपको वो सर डायरेक्टली आपको क्वेरी में जाके आंसर दे सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेरी जनरेट की है तो वो उसका मैसेज डायरेक्ट आपके टीचर को जाएगा और आपके टीचर उसमें से ही आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो आपको स्कूल आने की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घर से ही अपनी क्वेरी डायरेक्टली सॉल्व करवा सकते हैं। और जब भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी तो वो आप लोगों को यहाँ नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर देखने को मिलेगी। हाँ सर, नोटिफिकेशन हर बार चेक करते रहना है। आपको नोटिफिकेशन में देखना है कि क्या नई अपडेट है, क्या सर ने या टीचर ने कुछ रखा है, वो सब आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। मान लो कि लीव एप्लीकेशन का अगर आपको यूज करना है तो मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कई बार मैरिज में जाना होता है तो वो बोलते हैं कि सर हम 1 वीक नहीं आएंगे या 3 डेज की हम लोगों को लीव चाहिए। सो फॉर दैट परमिशन यू नीड टू एक्सेस हियर इन द लीव एप्लीकेशन फीचर। तो आप वहाँ से जाएंगे तो आप क्या है कि एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर स्कूल में से वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो वो भी यहाँ नोटिफिकेशन बार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी कि भाई आपने जो लीव की एप्लीकेशन डाली थी वो अभी अप्रूव हो गई। फिर कई बार क्या होती है कि क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई मॉनिटर किसको बनाना है या तो फिर कोई हम लोगों को डिसीजन लेना है तो हम लोग क्या करते हैं वोटिंग करवाते हैं क्लास के अंदर। तो इस बार क्या होगा कि अगर हम लोग वोटिंग करवाना चाहें तो अगर ऑनलाइन पर वोटिंग करवाना चाहें तो कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये पोल सिस्टम वाला जो फीचर है वो यहाँ पर डाला है ताकि जब भी हम लोगों को कोई डिस्कशन करना हो, किसी रिगार्डिंग कोई डिसीजन भी लेना हो तो वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर वोटिंग करेंगे तो वो वोटिंग के रेफरेंस पे फिर वो डिसीजन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी बहुत बढ़िया फीचर है जैसे कि सर बता रहे हैं हमको। अब जो है वो है स्कूल मीटिंग। आपको पता है कि हम लोग जूम पे लाइव मीटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्टली स्कूल मीटिंग में जाके आपको लिंक मिल सकती है और आप टीचर के साथ डायरेक्टली लाइव हो सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको जूम की लिंक इसमें अवेलेबल हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बिहेवियर। बिहेवियर में आपको आपके रिलेटेड कोई रिमार्क्स होगा या कोई सर्टिफिकेट जनरेट करने का होगा वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे हमने कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की तो उसके लिए आप इसमें सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इस बार क्या होगा कि हम लोग जो भी कॉम्पिटिशन्स करेंगे फिर चाहे वो इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो, चाहे फिर वो ऐसे कॉम्पिटिशन हो, चाहे फिर वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो, तो उसमें सारे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं तो कई बार बच्चे स्कूल पर ये ऑनलाइन के रिगार्डिंग या फिर ये पैंडेमिक के रिगार्डिंग स्कूल पर नहीं आ पाते तो वो क्या कर सकते हैं, सीधा सर्टिफिकेट के ऊपर से वो लोग आ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग डाउनलोड यहाँ से
कर सकते हो, वो सारे सर्टिफिकेट जब भी ऑनलाइन ही अपलोड हो जाएंगे तो वो वहाँ से आप सीधा डाउनलोड सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। और ये भी ऑप्शन अच्छा है कि किसी का व्हाट्सएप में आया होता है मिस हो जाता है, उससे अच्छा है इसमें आपको कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सेव रहता है, सेव रहेगा। ओके, अब जो है वो है गैलरी वाला ऑप्शन। गैलरी ऑप्शन मीन्स आपको स्कूल रिलेटेड कोई भी फोटोग्राफ होंगे, कोई इवेंट के फोटो है, वो सब आपको इसमें से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था एनुअल डे फंक्शन, तो एनुअल डे फंक्शन के कुछ फोटोग्राफ हमने इसमें रखे हैं, तो आप इसमें से डायरेक्टली देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी आप मेमोरी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये सभी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो और आपकी जो भी मेमरीज है और जो भी है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गैलरी वाला ऑप्शन में से आपको स्कूल रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ है वो सब आपको यहाँ से मिल सकते हैं। फिर जो है लाइब्रेरी वाला फीचर है, तो लाइब्रेरी वाला फीचर के अंदर क्या मिलेगा कि जब भी आपको स्कूल पे आप लोग जब भी ऑफलाइन स्टडीज के लिए आओगे तो ऑफलाइन स्टडीज के रिगार्डिंग में हमारी स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहाँ से अगर आपने कोई बुक इशू की है या बुक आपने ग्रैब की है तो वो बुक का जो पूरा का पूरा डेटा है वो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा कि आपके पास ये बुक है, अभी वो आपको कितने दिनों के बाद सबमिट करवानी है, या तो कितनी बुक आपको कितने दिन के लिए इशू हुई है, हमारी लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स जो है वो अवेलेबल है, आपको कौन सी बुक चाहिए, वो सारा का सारा जो डेटा है वो इस फीचर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल वाला फीचर। प्रोफाइल वाले फीचर्स के अंदर आप लोग जब भी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे यू कैन सी द प्रोफाइल। ओके, आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका प्रोफाइल पिक है, आपका पूरा नाम है, आपके क्लास टीचर कौन है, आपका बर्थ डेट क्या है, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, ये सारी जो डिटेल्स है आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। ओके, जो प्रोफाइल पिक यहाँ पर दिया हुआ है वही प्रोफाइल पिक को आपको रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको चेंज करना है, जैसे आपकी बर्थ डेट में कोई मिस्टेक है या कोई भी चेंज करवाना, तो आप स्कूल में कांटेक्ट करके ही करवा सकते हो, ये सब आप चेंज नहीं कर सकोगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ देख सकते हो, प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके बाद एक लास्ट फीचर है चेंज द पासवर्ड। अगर आप आईडी जो पासवर्ड है वो अगर आप क्लास टीचर के पास से कलेक्ट कर लेते हो, बाद में आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पासवर्ड जो है वो सिक्योर नहीं है, सो इफ़ यू वांट टू मोर सिक्योर योर अकाउंट देन यू नीड टू चेंज योर पासवर्ड, जो कि आप कहाँ से कर सकते हो, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। उसमें जो आप लोगों को पासवर्ड ऑलरेडी मिला हुआ है उस पासवर्ड को इधर डालना है, उसके बाद आप लोगों को जो नया पासवर्ड है वो इधर और कन्फर्मेशन के लिए दूसरी बार इधर डालना है, उसके बाद आप लोगों को सबमिट दे देना है, तो आप लोग अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। और आपको पासवर्ड चेंज करने के बाद उसे याद रखना है, हर बार आप भूल जाओगे फिर आपको स्कूल पे आना पड़ेगा और सब चेक करवाना पड़ेगा। सही, अगर आप चेक अगर आपने नया पासवर्ड जनरेट किया है तो वो आपको कहीं लिख लेना है या फिर याद रखना है। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला है कि एप्लीकेशन की जो लिंक है प्ले स्टोर के ऊपर वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग आप लोगों को भेज देंगे ताकि आप इजीली ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने जैसे कि बोला कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए यू नीड टू कॉन्टेक्ट योर क्लास टीचर, तभी जाके आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा और इतने सारे फीचर्स का आप जो है वो बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और सर ये इतनी अच्छी एप्लीकेशन जो हमारे स्कूल ने बनाई है जो स्पेशली आपके लिए बनी है कि आप इजीली कहीं पे दूसरी ऐप का यूज़ ना करना पड़े, इसी में से आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे यूट्यूब की लिंक है, होमवर्क है, आपको सब कुछ ये ऐप में से इजीली मिल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे और इसमें से ही सब वीडियो देखना और नोटिफिकेशन खास चेक करना है। अगर आपको होमवर्क आता है तो ऊपर नोटिफिकेशन में आया तो आपको देखना है क्या होमवर्क है और जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी में आपको सबमिट भी करना है। तो ये सब बात का ध्यान रखना है और ऐप का यूज़ अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।